नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां आप लोग देख पाएंगे कि काया किस तरीका से बोलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि काया का मानना यह है कि जो भी मेरे साथ में कुछ भी हुआ है, मैं उस चीज़ को छोड़ने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं रणवीर को हर तरीका से हासिल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि उसका नाम वैसे ही नहीं रखा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त काया हर कुछ करती हुई नज़र आएगी। और जब उसे ये पता चलेगा कि प्राची का हस्बैंड है रणवीर, और इन दो ये दोनों 6 साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और उसके बाद में बोलती हुई नज़र आने वाली है काया कि जब तुम दोनों 6 साल पहले अलग हो चुके हो, तो तुम्हारा एक दूसरे के साथ में क्या बाउंडेशन है, क्या बदलाव है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों फिर से एक हो। और वाकई में दोस्तों, काया एक बार फिर से फाइट करती हुई नज़र आने वाली है रणवीर के लिए, क्योंकि काया का मानना यह है कि जो चीज़ मेरी है, मैं उसे हासिल करके रहूँगी हर सूरत में, हर कीमत पर। और वाकई में दोस्तों, काया का सोचना बिल्कुल अलग है, और वो इस समय अपनी जिद को पकड़ चुकी हैं। बात की जाए इस समय कहानी की, तो कहानी में एक नया छोर और नया ट्विस्ट और भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि काया इस चीज़ को भी बोलती हुई नज़र आने वाली है रणवीर से कि रणवीर, तुम मुझे भूल जाओ या तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जिस चीज़ को मैं छोड़ती हूँ, तभी कोई हासिल कर सकता है, उससे पहले कोई नहीं हासिल कर सकता। और मुझे फ़िलहाल तुम पसंद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ किसी भी कीमत पर। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ये वही काया है जो हमेशा अपने वजूद के लिए जानी जाती है, और अब किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई छीन के भी दिखा दे रणवीर को काया के हाथ से। लेकिन प्राची एक एफर्ट और करती हुई नज़र आने वाली है रणवीर को पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ये ज़रूर बताइए कि आपको। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू।